नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विवेक सिंह और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया की खास पेशकश। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय खेत में खड़े हुए हैं। हम आपको जो आपसे चर्चा करेंगे वो एमआरपी और एमएसपी के बारे में। हम आपको पूरी बात बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम इस समय धान के खेत में खड़े हुए हैं और ये हमारे नीचे जो पड़ी हुई है ये पराली है। खेत की जुताई हो चुकी है लेकिन थोड़ी भी बहुत पराली भी बची हुई है। पूरा का पूरा प्रशासन, सरकार इस बात के पीछे लगी हुई है कि कोई भी किसान अपने खेत में पराली ना जलाने पाए। लेकिन ये जिस चीज की पराली है, धान मिट्टी मोल बिक रहा है, वो सरकार को नहीं दिखाई देता। सरकार बड़े बड़े मंच पर किसान की आय दुगनी करने के लिए बड़े बड़े दावे करती है और अपने दावों पर खरा उतरने के लिए भी कहती है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ किसानों की क्या हालात है ये आप सभी लोग जानते हैं। इस समय धान लेबियों पर 1865 या 1860 रुपए का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा डिसाइड किया गया है, लेकिन वो समर्थन मूल्य किसानों को कहीं से भी नहीं मिल रहा। लेकिन जो सरकारी गोदाम है वो बराबर भरे जा रहे हैं। इस बीच में कहां धांधली हो रही है वो हम आपको बताते हैं। सरकार किसान की फसल के लिए एमएसपी तय करता है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे आप जानते होंगे कि कोई भी आप सामान अगर बाजार से खरीदने जाते हैं तो वो एमआरपी पर मिलता है। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हर उद्योगपति, हर व्यापारी अपने माल का एमआरपी स्वयं तय करता है, लेकिन किसानों के उत्पादक उत्पादन का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय करती है। खैर कोई बात नहीं, सरकार के तय करने के बावजूद एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमआरपी नहीं है, लेकिन वो भी किसानों को नहीं मिल पाता। यहां पर धांधली कैसे होती है हम आपको बताते हैं। जो किसान का धान है वो लेबी के बाहर साहूकार और प्राइवेट मंडियों में 800 से 1000 रुपए के बीच में बिक रहा है। मंडी पर, लेबी पर जब किसान जाता है अपनी ट्रॉली में धान लेकर के, तो उनसे कहते हैं आज बोरे नहीं है, कल आना। किसान वापस आ जाता है। दूसरे दिन जाता, कहता है ट्रक नहीं आया, कल आना। किसान फिर वापस चला गया। तीसरे दिन आया कि परलेदार नहीं आया, अधिकारी नहीं आए, तराजू खराब है। इन सब बहानों को लेकर के किसान को टरका दिया जाता है। खैर किसान जिस ट्राली से लेकर के जा रहा है वो उसकी है या किराए की है, इस बात से उनको फर्क नहीं पड़ता। ये सारी बातें सत्ता को, सरकार को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, यही होता है। उत्तर प्रदेश की सभी लेबियों पर यही हो रहा है। उसके बाद में गोदाम कैसे भरे जाते हैं ये भी आपको समझाता हूं। जो लेबी के अधिकारी हैं उन्होंने किसान से तो धान लिया नहीं, अब किसान हो गया परेशान। किसान प्राइवेट मंडियों पर गया, साहूकारों के पास गया, वहां पर उसने अपना धान 800 से 1000 रुपए के बीच में बेच दिया। उसके बाद में खेल का असली सिलसिला यहां पर शुरू होता है। अब एमएसपी तो है 1800 कुछ रुपए, लेबी जो अधिकारी है उन्होंने क्या किया, उन साहूकारों से 1200 रुपए में धान ले लिया। 650 रुपए का घपला हुआ, वो उनकी जेब में गया, बैठे बिठाए करोड़ों उन्होंने कमा लिए। और जो साहूकार है उन्होंने क्या किया, एक पलटा मारा, 1000 रुपए में धान खरीदा, 1200 में अधिकारी को चेप दिया। अधिकारी ने वही धान 650 रुपए प्रॉफिट रख के सरकार को चेप दिया। बचा कौन, किसान, क्योंकि किसान को तो अगली फसल उगानी है, गेहूं बोना है। वो बेचारा राजनीति कैसे करेगा, राजनीति तो सरकार में बैठे हुए लोगों के हाथ में है। आपको बताने का सीधा सा मतलब यही था कि एमएसपी और एमआरपी में क्या अंतर है और एमएसपी से जो अधिकारी हैं वो किस तरह से अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। हमारी खबरें आपको अगर अच्छी लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।